जय श्री श्याम, क्या आपको भी मेरी तरह चाट खाना पसंद है पर फ्राई खाने का मन नहीं करता है? तो चलिए आज हम बनाते हैं बास्केट चाट, वो भी बिना फ्राई किए, मतलब ज़ीरो ऑयल से, और साथ ही हम बनाएंगे इसको बूंदी के साथ। तो आज हम बनाएंगे बूंदी और बास्केट चाट, जो बहुत ही क्रिस्पी है और खाने में बहुत टेस्टी, एकदम चटपटी सी। अगर आप चाट खाने के शौकीन हैं तो इसको पक्का ट्राई करिएगा। तो यहाँ पे चाट बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 1 कप बेसन। बेसन मैंने छान करके ही लिया है। अब इसको क्रिस्पी बनाने के लिए मैं ऐड करूँगी 2 टेबलस्पून यहाँ पे चावल का आटा। तो 1 कप बेसन में मैंने यहाँ पे 2 स्पून, देखिए टेबलस्पून यहाँ पे मैंने चावल का आटा लिया है। अब ऐड करूँगी थोड़ा सा हल्दी पाउडर कलर के लिए, थोड़ी सी लाल मिर्चा पाउडर ये टेस्ट के अकॉर्डिंग, थोड़ा सा नमक भी टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करूँगी। अब बेसन है तो बेसन में हींग तो ऐड करना पड़ेगा, जैसे बेसन भारी ना करे। तो अब हींग ऐड करके मैं ऐड करूंगी यहाँ पे अजवाइन। तो अजवाइन मैंने लिए यहाँ पे 1 टीस्पून, और हाथों से क्रश करके ऐड करेंगे, जिससे अजवाइन का फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। अब सभी चीज़ों को हम यहाँ पे अच्छा सा मिक्स दे देंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक बैटर रेडी करेंगे। ना बहुत ज़्यादा थिक होना चाहिए ना बहुत ज़्यादा पतला होना चाहिए, यानी कि रनी। इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा, जो बैटर हम बनाएंगे ना वो इस तरह से बनना चाहिए, तभी हमारी जो बास्केट्स है ना वो एकदम परफेक्ट बनेगी। और इसमें कोई भी सोडा बेकिंग पाउडर हमको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। आज की हम बास्केट जो बनाएंगे बिना सोडा और बिना बेकिंग पाउडर के बनाएंगे। तो ये लीजिए, यहाँ पे बैटर तो बन के रेडी हो गया। मैंने 10 मिनट के लिए इसको रेस्ट के लिए रख दिया था, क्योंकि बेसन है, बेसन को थोड़ा फूलने के लिए टाइम चाहिए होता है। बास्केट बनाने के लिए मैं यहाँ पे सिंपल यूज़ कर रही हूँ, ये जो पैकेट आता है ना दूध और दही का, मैं वही पैकेट यूज़ कर रही हूँ। कोई मैं यहाँ पे बॉटल यूज़ नहीं करूँगी, या मैं कुछ भी ऐसा नहीं यूज़ करूँगी जो हमारे पास घर पे इजीली अवेलेबल ना हो। ये दूध या दही के पैकेट्स तो हम सबके घर में डेली ही आते हैं, बस वही पैकेट की हेल्प से आज मैं बनाऊँगी बास्केट। तो ये लीजिए, मैंने यहाँ पे अच्छे से कट कर दिया एक साइड। अब मैं सारा बैटर फिल कर दूँगी इस पैकेट के अंदर, और फिर हम बनाएंगे फटाफट इससे बहुत अच्छी सी बास्केट। बास्केट चाट बनाने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है जो अब मैं आपको बताऊंगी, तभी हमारी जो बास्केट है ना बहुत अच्छी बनेगी, एकदम जालीदार बनेगी और एकदम क्रिस्पी बनेगी। तो ये लीजिए, मैंने सारा बैटर यहाँ पे अच्छे से फिल कर दिया है। अब मैं इसको यहाँ पे रबर बैंड की हेल्प से यहाँ पे इसको सील कर दूंगी, ताकि जो बैटर है ना वो बाहर ना आए। तो ये लीजिए, हमारी यहाँ पे अच्छी सी कोन तो बन करके रेडी हो गई है। तो मैं यहाँ पे बास्केट बनाने के लिए यूज़ कर रही हूँ अपा मेकर। तो अपा मेकर में ना जस्ट हमको यहाँ पे कोई ऑयल नहीं लगाना है, जस्ट हल्की सी, मतलब आप समझो ग्रीसिंग करनी है कि बस हल्का सा ही चिकना हो जाए, क्योंकि अगर हम लोग ऑयल लगाएंगे तो सारी बास्केट सॉफ्ट हो जाएंगी। तो आज की बास्केट हम बनाएंगे बिना ऑयल के। तो चलिए, अब मैं यहाँ पे कोन ले लेती हूँ जो मैंने अभी बना के रेडी की थी, और एकदम छोटू से यहाँ पे हम होल कर लेंगे। और ये देखिए, जो बास्केट बनाने के लिए हम बैटर को स्प्रेड करेंगे ना इस तरह करेंगे, पहले हम लंबाई में डालेंगे और फिर हम इसको कट करते हुए इस तरह से अच्छे से सारे बैटर को पूरे एक एक ब्लॉक्स में अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। ये देखिए, बहुत आराम से, देखिए मैं आपको एक एक स्टेप दिखा रही हूँ। पहले मैंने देखिए इस तरह से लंबाई में डाला, फिर इसको कट करते हुए इस तरह से सारे बैटर को अच्छे से सभी ब्लॉक्स में अच्छे से इस तरह से फिल कर देंगे। इस तरह से आप बास्केट बनाएंगे ना, देखिएगा आपकी बास्केट एक भी ख़राब नहीं होगी और एक भी नहीं टूटेगी। बस इस बात का ध्यान रखिएगा, जब हम बैटर बनाएं ना बहुत ज़्यादा रनी नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा रनी होगा ना तो क्या है, वो शेप नहीं लेगा, और बहुत ज़्यादा गाढ़ा होगा तब क्या होगा, वो तो बनेगा ही नहीं। तो ऐसा बैटर बनाना है एकदम फ्लोई हो, एकदम रिबन फॉर्म में हो। तो ये देखिए, इस तरह क्रिस क्रॉस करते हुए मैं सारी बास्केट यहाँ पे बना के रेडी कर लूँगी। तो ये बास्केट बनाना बहुत इजी है, बस बैटर बना करके 10 मिनट के लिए रेस्ट में रख दीजिएगा, और इस तरह से क्रिस क्रॉस करते हुए अच्छे से यहाँ पे सभी बास्केट बना के रेडी कर लीजिएगा। और ये देखिए, यहाँ पे जब एक लेयर मेरी एक बार की कोट यहाँ पे सूख गया था, तो मैं पतली पतली सी यहाँ पे एक बार कोटिंग और कर देती हूँ, कि ताकि कोई स्पेस रह गया हो ना तो वो स्पेस भी अच्छे से फिल हो जाए और अच्छी सी हमारी यहाँ बास्केट बन के रेडी हो जाए। अब मैं क्या करूँगी, जो साइड्स है ना इस तरह से साइड्स को एक शेप दे दूँगी सर्कल की, ताकि जो बास्केट की शेप बन के रेडी होगी ना वो एकदम गोल होएगी। तो ये देखिए, मैं सारे यहाँ पे ब्लॉक्स को इस तरह से राउंड राउंड करते हुए मैंने यहाँ पे शेप दे दिए। अब नाइफ़ की हेल्प से मैं यहाँ पे सबको अलग अलग कर दूँगी, क्योंकि सब जॉइंट हो गई हैं बास्केट्स, तो इस तरह से नाइफ की हेल्प से बहुत इजीली ये इस तरह से हम अलग कर देंगे। सारी बास्केट एकदम गोल बन के रेडी होंगी और एकदम परफेक्ट और एकदम क्रिस्पी।
इसको लो टू मीडियम फ्लेम में पहले मैंने जब डाल रही थी मैंने गैस की फ्लेम करी थी। मैंने सभी बास्केट से यहाँ पे सेक करके रेडी कर लिए, एकदम मीडियम टू लो फ्लेम में हम सभी बास्केट को यहाँ पे सेकेंगे। ये सभी बास्केट देखिए यहाँ पे एकदम क्रिस्पी और अच्छी सी यहाँ पे सेक करके रेडी हो गई। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, सभी बास्केट तो सेक गई है। तो इस तरह से बहुत इजीली आप सभी बिना तेल के बिना फ्राई किए ये बास्केट बना के रेडी कर सकते हैं। और जो साइड्स में थोड़ा थोड़ा क्रम्स लगा आप चाहे तो इस तरह से हटा करके फिनिशिंग दे सकते हैं अगर बास्केट में अगर आप ज़रूरत हो तो। ये लीजिए मैं आपको क्रंच दिखा रही हूँ बास्केट का, ये देखिए एकदम क्रिस्पी बास्केट यहाँ पर बन के रेडी हुई है। तो बास्केट रेडी हो गई, चलिए अब हम बनाते हैं अच्छी सी स्टफिंग बास्केट चाट के लिए। तो मैंने यहाँ पर एक बॉयल आलू लिया था, उसको मैंने छोटे छोटे पीसेस पे कट कर दिया था। अब यहाँ पे हाफ टमाटर मैंने मीडियम साइज़ का यहाँ पे उसको भी चॉप कर लिया है, एक प्याज मीडियम साइज़ की उसको भी एकदम फाइनली चॉप कर लिया है। अब थोड़ा सा ऐड करूँगी यहाँ पे काला नमक, थोड़ा सा जीरा पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्चा पाउडर और थोड़ा सा नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। अब ऐड करूँगी थोड़ी सी चॉप धनिया पत्ती, थोड़ी सी हरी मिर्चा और सभी चीज़ों को हम यहाँ पे मिक्स कर लेंगे। आप यहाँ पे ना चाट मसाला भी ऐड कर लीजिएगा। अब मैं ऐड करूँगी यहाँ पे थोड़ा सा नींबू का रस, ये लीजिए। अब यहाँ पे चटपटी सी अच्छी सी स्टफिंग बनके रेडी हो गई है बास्केट चाट के लिए। तो आज हम बना रहे हैं बूंदी बास्केट चाट, जो कि बहुत ही ट्रेंडिंग रेसिपी है और मैंने इसको कुछ नया लुक और कुछ नए तरह से प्रेजेंट किया है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे ली है बूंदी, ये हाफ कप बूंदी मैंने ली है, उसको एक प्लेटर में जस्ट अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। तो बूंदी को बहुत अच्छे से पूरी प्लेट में आप इस तरह से स्प्रेड कर दीजिएगा। फिर मैं यहाँ पे सेट करूँगी यहाँ पे बास्केट जो मैंने बना करके रखी थी, और सभी बास्केट को हम थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पर यहाँ पर अच्छे से सेट कर लेंगे। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, मैंने सभी बास्केट्स को यहाँ पे अच्छे से सेट कर लिया है। आपकी एक प्लेट में जितनी बास्केट आए उस हिसाब से आप सेट कर सकते हैं। तो ये देखिए एकदम राउंड बास्केट और एकदम क्रिस्पी बास्केट यहाँ पे बनके रेडी हुई है जो मैंने यहाँ पे बूंदी पे सेट करी है। तो इस तरह से आप भी अपना प्लेटर रेडी कर लीजिएगा। अब हम फिल करेंगे इसमें यहाँ पे आलू की स्टफिंग जो हमने बना के अभी रखी थी। आलू की स्टफिंग हम सभी बास्केट में अच्छे से फिल कर देंगे और थोड़ी थोड़ी स्टफिंग हम बूंदी के ऊपर भी अच्छे से रख देंगे ताकि जब हम बूंदी चाट खाएं ना तो वो खाने में बहुत टेस्टी हो, बहुत चटपटी हो और खाने में बस मज़ा ही आ जाए। तो ये देखिए इस तरह से मैं थोड़ी थोड़ी स्टफिंग बूंदी पे भी इस तरह से रख दे रही हूँ। तो अब तो आप यहाँ पे स्टफिंग तो मैंने सेट कर दिए, तो चलिए अब हम यहाँ पे स्प्रेड करते हैं थोड़े से मसाले। तो मसालों में मैं स्प्रिंकल करूँगी थोड़ा सा जीरा पाउडर, थोड़ा सा काला नमक, थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर और थोड़ा सा नॉर्मल नमक। ये सब अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप थोड़ा थोड़ा सा अच्छे से स्प्रिंकल कर लीजिएगा। फिर हम ऐड करेंगे यहाँ पे दही। दही मैंने यहाँ पे लिया था एक कप, जिसको मैंने गाढ़ा गाढ़ा अच्छे से फेंट करके रेडी कर लिया था। और उसमें ऐड की थी मैंने 1 टेबलस्पून चीनी का पाउडर और यहाँ पे हमारा मीठा दही रेडी हो गया था चाट के लिए। अच्छे से फेंट लीजिएगा ताकि दही एकदम स्मूथ हो जाए और चाट में ये मीठा एकदम स्मूथ दही और गाढ़ा गाढ़ा बहुत अच्छा लगता है। और पानी बिल्कुल भी ऐड मत करिएगा दही ही में। लूँगी यहाँ पे मीठी चटनी, मैंने गुड़ और इमली से यहाँ पे मीठी चटनी बना के रेडी की थी। वो इमली की चटनी जो है ना, ये मैं पहले भी आपके संग शेयर कर चुकी हूँ, मैं आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगी। ये चटनी ज़रूर ट्राई करिएगा, ये चटनी वाकई में बहुत टेस्टी बनती है और उसको स्टोर करके आप आराम से महीने के लिए फ्रिज में रख सकते हैं। फिर ऐड किया मैंने मीठी चटनी के बाद थोड़ी सी हरी मिर्ची, थोड़ी सी चॉप प्याज ऐड करूँगी और फिर थोड़ा सा ऐड करूँगी यहाँ पे बीटरूट। बीटरूट को महीन महीन चॉप करके ऐड कर लिया था। आप इसकी जगह चाहे तो यहाँ पे अनार के दाने भी ऐड कर सकते हैं। अब ऐड की मैंने थोड़ी सी यहाँ पे हरी चटनी और फिर ऐड करूँगी थोड़ी सी धनिया पत्ती और फिर ऊपर से स्प्रिंकल करूँगी थोड़ा सा यहाँ पे बीटरूट। और बीटरूट भी इस चाट में बहुत अच्छी लगती है। बीटरूट, अनारदाना, आपको जो पसंद है वो ऐड कर सकते हैं। फिर फाइनली ऐड करूँगी महीन वाली सेव। इसकी जगह बीकानेर की भुजिया या आलू भुजिया कोई भी ऐड कर सकते हैं। मैं तो नॉर्मली ये चाट वाली जो सेव होती है महीन वाली वो ऐड कर रही हूँ। तो ये लीजिए हमारी चटपटी सी यहाँ पे बूंदी चाट बन करके रेडी हो गई है बास्केट वाली से। अगर आपका भी मन करे कभी चाट खाने का और ऑयली खाने का मन ना हो
तो आप इस तरह से बास्केट चाट बनाइए और इंजॉय करिए घर पे। तो अगर आपको आज की मेरी बास्केट चाट की रेसिपी अच्छी लगी हो, जो आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है और लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, तो इसको आप ट्राई ज़रूर करिएगा। देखिएगा ये आपको बहुत पसंद आएगी, क्योंकि जिस तरह से मैंने आज ये कॉम्बिनेशन मिक्स किया है ना, खाने में बहुत टेस्टी और बहुत चटपटा और बहुत ही क्रंच था इस चाट में। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये रेसिपी पसंद आएगी। और अगर आपको आज की मेरी चाट की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा फॉर नेक्स्ट नोटिफिकेशन। तो अब मैं मिलूंगी बहुत जल्दी नेक्स्ट रेसिपी के संग। जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री श्याम। टेक केयर एंड बाय।